नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। माँ आदि शक्ति का जब प्रागट्य हो रहा था उस वक्त पे देवता उनके स्वरूप से संपूर्णतः अनभिज्ञ थे, अनजान थे, और इसी वजह से उन्होंने माँ के स्वरूप के बारे में उनसे पूछते हुए कहा, जिसका उल्लेख हमें सबसे पहले देवी अथर्वशीर्ष में मिलता, जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया। देवता उनसे पूछते हैं, यानी कि जो सबसे पहला श्लोक है वो ये है, ओम सर्वे वे देवा देवी मुपतस्थ हु काशी त्वम महादेवी, यानी हे महादेवी आप कौन है, आपके स्वरूप का वर्णन क्या है, आपके स्वरूप की महिमा क्या है। तब देवी कहती है, साब्रवी यानी कि माने कहा, अहम ब्रह्म स्वरूप मत प्रकृति पुरुषात्मक जगत शून्यम चाशून्यम च, यानी हे देव मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मुझसे ही इस पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, यानी प्रकृति और पुरुष से बने इस पूरे संसार की अधिष्ठात्री मैं ही हूँ। शून्यम चा शून्यम च, यानी शून्य भी मैं हूं अशून्य भी मैं। बाद में माँ कहती है, अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणी वेदितव्य अहम पंचभूतान्य पंचभूतानी अहम अखिलम जगत, मैं आनंद भी हूं मैं अनानंद भी हूं, मैं विज्ञान भी हूं मैं अविज्ञान भी हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं मैं ही ब्रह्मणी भी हूं, मैं पंच महाभूत भी हूं मैं अपंच महाभूत भी हूं। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने लायक है। पंच महाभूत यानी जल वायु आकाश अग्नि और पृथ्वी, जो हमारे फाइव एलिमेंट्स जो साइंस कहता है उसके बारे में। लेकिन माँ ने जो यहां पे कहा है कि मैं अपंच महाभूत भी, यानी कि जो तत्व में नहीं समाया जा सकता वो अतत्व भी मैं हूं। पिछले कुछ सालों तक हम ये नहीं जानते थे कि पृथ्वी के बाहर का डायमेंशन स्पेस और टाइम, यानी कि समय और अवकाश आकाश। लेकिन फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरे स्पेस के बाहर के डायमेंशन के बारे में भी बहुत अच्छे से हमें एक थियरी दी। आज की तारीख में विज्ञान हमें ये कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में कुल 10 परिमाण यानी कि 10 डायमेंशंस, 10 डायमेंशंस हो सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे पृथ्वी पर भूलोक पर अनुभूति कर पा रहे हैं वो सिर्फ 3 डायमेंशन की ही अनुभूति है, यानी कि 3 परिमाण। लेकिन माँ ने बहुत साल पहले जब प्रागट्य के वक्त, उनके साकार स्वरूप के प्रागट्य के वक्त देवताओं को ये कह दिया था कि पंच महाभूत तो मैं हूं ही, यानी भूलोक पर जो एक सृष्टि चल रही है, जो आपको मेरा स्वरूप साकार स्वरूप देखने को मिल रहा है वो तो मैं हूं ही, लेकिन मैं अपंच महाभूत भी हूं, यानी जो आपको अपनी नग्न आंखों से देखने को नहीं मिलता वो स्वरूपा, वो शक्ति, वो ऊर्जा भी मैं। बाद में माँ कहती है, अहम अखिलम जगत, मैं ही समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। बाद में माँ ने बहुत सुंदर शब्दों में अपने महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम नजाहम, यानी विद्या भी मैं हूं अविद्या भी मैं। अगर आप ललिता सहस्त्र नाम को पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि माँ को एक नाम दिया गया है सव्य आप सव्य मार्गस्था, यानी कि जो सव्य मार्ग है और अपसव्य मार्ग है, जो दक्षिणाचार है वो भी माँ है, जो वामाचार है वो भी माँ है, तंत्र के सारे मार्ग माँ तक पहुंच रहे। और वही माँ ने यहाँ पे भी कहा कि मैं विद्या भी हूँ मैं अविद्या भी हूँ, यानी कि ज्ञान भी मैं हूँ अज्ञान भी मैं। चाहे आप रैशनल कह लो अपने आप को, चाहे आप एथिस्ट कह लो, लेकिन ये जो एक माँ को नकारने की वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो भी माँ की ही दी हुई है। इसी वजह से मैं बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप आस्थावान हैं, अगर आप श्रद्धावान हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अनास्थावान, अगर आपको
ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं भी है तो भी वो एक माँ का ही लीला क्षेत्र माना जाता है। माँ ने फिर ललिता सहस्त्र नाम में जो दो अलग से नाम दिए हैं वो इस बात के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होते हैं। माँ के तीन नाम है यज्ञप्रिया, यज्ञकर्त्री, यजमान स्वरूपिणी। यानी कि जो यज्ञ जिन्हें यज्ञ प्रिय है वो भी माँ है, यज्ञकर्त्री यानी कि जो यज्ञ कर रहे हैं वो भी माँ है, यजमान स्वरूपिणी जो यजमान है, जो पुरोहित है और जो यज्ञ है, तीनों माँ का लीला क्षेत्र है और तीनों माँ का ही स्वरूप है। दूसरे एक श्लोक में कहा गया है कि ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता। यानी ध्यान भी माँ स्वयं है, ध्यात्री भी माँ स्वयं है और ध्येय रूपा जो साधक का एक मेडिटेटर का जो गोल रहता है, एक योगी का जो गोल रहता है, जो ध्येय रहता है, वो ध्येय रूपा भी माँ स्वयं है। ये जो पूरा अर्थ बताया हमने, वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम न जाहम, यानी कि प्रकृति भी मैं हूं, प्रकृति से भिन्न भी मैं ही हूं। और उसके बाद माँ ने बहुत सारी चीजें कही है जो है कि रुद्र भी मैं हूँ, वसु भी मैं हूँ, जो हमारे देवता हैं अग्नि वरुण आदित्य, ये सारे देवता मेरे ही स्वरूप हैं। और तब जाकर देवता ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इतना ही कहा, हे माँ आपके इस विराट स्वरूप को, आपके इस ब्रह्मांड स्वरूप को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। देवताओं ने कहा, ते देवा अब्रुवन नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्मताः। हे माँ आदिशक्ति, हे महादेवी, आपके इस विराट स्वरूप को हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। और इसी देवी अथर्व शिष्यम में हमें सबसे पहली बार महालक्ष्मी गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र 28 प्रकार के होते हैं, 28 देवी देवताओं के गायत्री मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। उसमें से जो सबसे पहले प्रकार का गायत्री मंत्र महालक्ष्मी गायत्री मंत्र जो प्राप्त होता है वो देवी अथर्व शीर्षम से प्राप्त होता है, जो है महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक इसी मंत्र का जो दूसरा आप कह सकते हैं कि प्रकार जो है वो ये है कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। ये दोनों लक्ष्मी गायत्री मंत्र है लेकिन दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, थोड़े थोड़े भेद के साथ इसको शास्त्र में बताया गया है। तो अगर आपको माँ की महिमा और ज्यादा जाननी है, अगर आपको माँ के स्वरूप को और ज्यादा समझना है तो यू मस्ट रीड देवी अथर्व शीर्षम। उसमें माँ ने जो स्वरूप का वर्णन किया है, देवताओं ने उनकी जो स्तुति की है, जो आरती की है, वो इतनी अद्भुत और हृदय को प्रसन्न कर देने वाली है कि आप एक साधक के तौर पर जो अनुभूति कर पाएंगे वो ऐसी अनुभूति होगी जिसका शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वेदोलॉजी चैनल को, ताकि हम सनातन धर्म को, अध्यात्म को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए और ज़्यादा लोगों को हम सनातन धर्म की महिमा, उसका विराट स्वरूप, उसके पीछे छिपा हुआ तर्क, लॉजिक और साइंस दे पाए। थैंक यू। ओम श्री नाथ रे नमः।